हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 7.2 फ्रॉम चैप्टर 7, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। एंड यदि आपके पास ओल्ड बुक है तो ओल्ड बुक में ये एक्सरसाइज 8.2 है, तो आप वहाँ से इसे इन क्वेश्चन को देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इनवर्स वेरिएशन की बात की गई है, तो फर्स्ट हम समझते हैं कि इनवर्स वेरिएशन होता क्या है। तो देखिए, इनवर्स वेरिएशन होता है कोई भी टू क्वांटिटीज, तब इनवर्स वेरिएशन कहलाएगा जब एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो सेकेंड क्वांटिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यदि फर्स्ट क्वांटिटीज इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड को डिक्रीज होना पड़ेगा, तब वो इन्वर्स वेरिएशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई हमने ले लिया, तो एक्स प्रोपोर्शनल टू 1/y, ये जो साइन है इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू, क्लियर। तो दियर फोर एक्स इज इक्वल टू 1 की जगह ये हमने कॉन्स्टेंट ले लिया के बाई वाई, यहाँ पे के कॉन्स्टेंट है, क्लियर। अब देखिए, ये दोनों इक्वल टू है, दोनों के इक्वल होने के लिए क्या हमने समझा भी, ये एक्स ये यदि इंक्रीज कर रहा है तो इनवर्स वेरिएशन के लिए वाई को डिक्रीज होना पड़ेगा, क्लियर, तभी दोनों सेम होगा। यदि एक्स डिक्रीज होगा देन वाई को इंक्रीज होना पड़ेगा, क्लियर, दोनों को इक्वल होने के लिए ऐसा करना होगा। तो देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू के, तो ये हमारा इनवर्स वेरिएशन में आ गया, क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल एंड कंजम्पशन ऑफ फूड। तो देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर हॉस्टल में बच्चे बढ़ रहे हैं तो उनके पास जो फूड जाएगा वो क्या होगा, कम जाएगा, क्वांटिटी फूड की कम हो जाएगी। एंड जब नंबर ऑफ स्टूडेंट कम जाएंगे, बच्चे कम जाएंगे, तो फूड उनके पास जो जा रहा है कंजम्पशन ऑफ फूड, वो क्वांटिटी फूड का बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये हमारा इनवर्स वेरिएशन कहलाएगा, क्लियर। सेकेंड, टाइम टेकन बाई ए ट्रेन टू कवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब क्या कर रहा है कि किसी डिस्टेंस पे जाने के लिए टाइम कितना लेगा ट्रेन, अगर स्पीड बढ़ेगी तो फिक्स डिस्टेंस जो है वहाँ वो स्पीड बढ़ने पे जल्दी पहुँचेगी। दैट मीन्स यदि ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है तो डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस पे पहुँचने के लिए टाइम कम लेगा, एंड जब स्पीड कम हो जाती है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये भी हमारा इन्वर्स वेरिएशन कहलाएगा। तो फर्स्ट सेकेंड दोनों इन्वर्स वेरिएशन है। थर्ड, एरिया ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट, क्लियर। तो देखिए, एरिया ऑफ लैंड अगर साइड इलाका है तो निश्चित है कॉस्ट भी कम होगा, ठीक है। इलाका यदि एरिया ऑफ लैंड यदि कुछ महंगे कॉस्टली जगह पे है तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, तो ये हमारा इन्वर्स वेरिएशन नहीं है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड द टाइम ऑफ टाइम टू कम्प्लीट द वर्क। अब यहाँ कह रहा है कि नंबर काम करने वाले लोग, अगर काम करने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो जो वर्क होगा वो जल्दी कंप्लीट होगा, कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। एंड जब लोग कम जाते हैं तो हमारे काम का टाइमिंग बढ़ जाता है, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ रहा है। दैट मीन्स ये भी हमारा इन्वर्स वेरिएशन कहलाएगा। नेक्स्ट है, द क्वांटिटी ऑफ राइस एंड इट्स कॉस्ट, क्लियर। तो ये क्लियर है कि ये हमारा इन्वर्स वेरिएशन नहीं है, क्योंकि ज़्यादा राइस लेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा देना होगा, कम राइस खरीदेंगे तो कॉस्ट उसका कम लगेगा। तो हमारा फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ इन्वर्स वेरिएशन है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड विच पेयर ऑफ वेरिएबल्स हियर एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स वेरिएशन, क्लियर। तो एक्स एंड वाई यहाँ दे रखा है, तो इन दोनों को इक्वल होने के लिए क्या होगा करना होगा, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसे करके देखते हैं। अगर हम एक्स इंटू वाई इक्वल रहेंगे एंड सब इक्वल में आते हैं, सबका आंसर सेम आ रहा है, दैट मीन्स कि ये हमारा इन्वर्स वेरिएशन होगा। देखिए, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो इन्वर्स वेरिएशन तो है ही, तो हमें इसे सॉल्व करना है कि इन्वर्स वेरिएशन में है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं एक्स इजक्वल टू 90, वाई 10 है, ठीक है। तो इन्वर्स वेरिएशन के लिए अभी हमने क्या समझा था, एक्स इंटू वाई इजक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट यानी कि जो चेंज नहीं हो सकता। तो एक्स इंटू वाई, तो 90 इंटू 10 हम करेंगे, 90 इंटू 10 इजक्वल टू 900। अब जैसे इसमें दोनों को इंटू किए तो 900 तो कहीं से भी चेंज अब नहीं होने वाला है, क्लियर। तो यही हमारा कांस्टेंट हो गया, एक्स वाई इजक्वल टू कांस्टेंट, क्लियर। तो 90 इंटू 10 900, सिमिलरली देखेंगे 60 इंटू 50, तो जब 15, तो जब 60 इंटू 15 करते हैं तो ये भी 900 होता है, 15 इंटू 6 90, 15 6 जा 90 एंड ये एक 0 900, ये भी 900 हो गया। इसी तरह से 45 इंटू 20 ये भी 900, 30 इंटू 30 900, 20 इंटू 45 ये भी 900। तो देखिए, सारे 900 आ रहे हैं, सब इक्वल है, 900 सबका आंसर आ गया। तो देयरफॉर हम लिख लेंगे
x एंड y आर इन इनवर्स वेरिएशन, यही इसका आंसर हो जाएगा, x एंड y आर इन इनवर्स वेरिएशन। क्लियर, इसका आंसर मैंने यहीं पे लिख लिया। ऐसे ही इंटू करेंगे, इंटू करके चेक कर लेंगे एंड देन हम लिख देंगे कि वेरिएशन में है या नहीं। क्लियर, नेक्स्ट 75 इंटू 10 750, नाउ 45 इंटू 30 तो ये हो जाएगा 1350। ठीक है, जैसे 75 इंटू 10 देखिए 750 दोनों को इंटू किया x इंटू y, नाउ ये x एंड y को इंटू करेंगे तो 45 इंटू 30 ये आ रहा है हमारा 1350। तो क्या दोनों इक्वल है? नॉट इक्वल टू। ठीक है, जहाँ भी नॉट इक्वल आ गया दैट मीन्स ये हमारा वेरिएशन में नहीं है, तो लिख देंगे हम नो इट इज़ नॉट इन राइट इनवर्स वेरिएशन। क्लियर, नो। नाउ क्वेश्चन 3, अंडर द कंडीशन दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 630 क्यूबिक सेंटीमीटर एट अ प्रेशर ऑफ 360 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। वॉल्यूम ऑफ गैस हमारा 630 क्यूबिक सेंटीमीटर देख रहा है, दिया गया है, और प्रेशर है इसका 360 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। देन वॉट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस, तो गैस का हमें प्रेशर बताना है। इफ इट्स वॉल्यूम इज 720 क्यूबिक सेंटीमीटर, अब करा यदि इसका वॉल्यूम 720 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाए देन इसका टेम्परेचर क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम एंड प्रेशर दे रखा है, ये दो क्वांटिटी हमारे पास हो गया वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा कॉन्स्टेंट बाई पी, तो देयरफॉर ये हमारा हो सकता है, तो कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा वी इंटू पी। क्लियर, अब क्वेश्चन में हम देख रहे हैं वॉल्यूम हमारा दो जगह है, एक तो V1 630 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड सेकेंड वॉल्यूम है हमारे पास 720 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर, तो एक को V1 मान लेंगे सेकेंड को V2 मान लेंगे, तो वॉल्यूम 1 630 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक यानी कि 3, एंड प्रेशर 1 P1 360 मिलीमीटर ऑफ HG, HG मरकरी का फॉर्मूला है। ठीक है, HG फॉर मरकरी। नाउ V2 720 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड P2 प्रेशर हमें निकालना है, 720 क्यूबिक सेंटीमीटर जो वॉल्यूम है इसका प्रेशर हमें फाइंड करना है। क्लियर, तो नाउ V1 इज इक्वल टू K/P1 एंड V2 इज इक्वल टू K/P2। क्लियर, यानी कॉन्स्टेंट बाई P2, तो कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 इंटू P1। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, एंड सेकेंड में K इज इक्वल टू V2 इंटू P2, ये सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2। अब इसमें इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो V1 है 630, तो लिख लेंगे हम 630 इंटू P1 360 इज इक्वल टू V2 यहाँ 720 इंटू P2 हमें फाइंड करने, तो इसे एज इट इज लिख देते हैं P2। नाउ डिवाइड कर लेंगे, यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं, इक्वल टू के दोनों तरफ डिजिट हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, नाउ 36 टू जार 72 एंड इस 2 से 630 डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जार 2 1 जार एंड 2 5 जार 10, तो ये हो गया हमारा 315 mm इज इक्वल टू P2 ऑफ HG, यानी HG यानी कि मरकरी, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, क्वेश्चन फोर इज अ पैकेट ऑफ स्वीट्स वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 20 चिल्ड्रेन एंड ईच ऑफ देम रिसीव्ड 4 स्वीट्स। ठीक है, एक पैकेट स्वीट्स है जो 20 चिल्ड्रन के बीच में डिवाइड किया गया, तो ईच चाइल्ड 4 को 4 स्वीट्स मिला। हाउ मेनी स्वीट्स विल ईच चाइल्ड गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाई 4। अब कह रहा है कि अगर 4 बच्चे कम गए तो ईच चाइल्ड को कितना स्वीट्स मिला, तो क्लियर है, देखिए जब 20 चिल्ड्रन है और 1 पैकेट स्वीट्स है तो 4 सबको मिल रहे हैं। अब अगर बच्चे कम जाएंगे तो क्लियर है स्वीट्स बढ़ जाएगा, एक कम रहा तो दूसरा बढ़ रहा है, तो क्लियर है कि हमारा इन्वर्स वेरिएशन है। तो इन्वर्स वेरिएशन के मेथड से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो क्वेश्चन में हमें चिल्ड्रेन एंड स्वीट्स है, ठीक है, तो चिल्ड्रेन को हम x मान लेते हैं, स्वीट्स हमारा y क्वांटिटी हो जाएगा। नाउ टोटल चिल्ड्रेन 20 दे रखा है एंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 चिल्ड्रेन कम गए, तो आफ्टर रिड्यूसिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज 20 - 4 इज इक्वल टू 16। क्लियर, नाउ x1 इज इक्वल टू 20 ले लेते हैं,
एंड वाई टू क्या हो जाएगा, वाई टू इज इक्वल टू, तो 20 चिल्ड्रन पे फोर स्वीट्स है, ईच चाइल्ड को फोर फोर मिल रहा है, तो ये हो गया वाई टू इज इक्वल टू फोर। सिमिलरली एक्स टू इज इक्वल टू, तब एक्स टू यहाँ पे हमारा चिल्ड्रन के लिए 16 एंड वाई टू यहाँ पे हमें ये एक्स वन होगा, ठीक है, एक्स वन एंड वाई वन, ये एक्स टू एंड वाई टू इज इक्वल टू फोर। वाई टू हमें फाइंड करना है, तो कॉन्स्टेंट के फॉर्मूला से अभी हमने क्या देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, जो ऐसे हमने किया वी वन पी वन इज इक्वल टू वी टू पी टू, क्लियर। अब यहाँ पे हम एक्स एंड वाई ले रहे हैं क्वांटिटी, तो लिख लेंगे हम एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू वाई टू। नाउ इसमें इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स वन हमारा 20 इंटू फोर वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू 16 इंटू वाई टू एज इट इज रहने देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट वाई टू इज इक्वल टू 20 इंटू फोर अपॉन 16। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, फोर फोर जार नाउ फोर फाइव जार 20 इज इक्वल टू फाइव, क्लियर। तो वाई टू आ गया हमारा फाइव, दैट मीन्स आंसर लिख लेते हैं, यही आंसर हो गया, ईच चाइल्ड विल गेट स्वीट्स इज इक्वल टू फाइव इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन फाइव इज, पूजा हैज एनफ मनी टू बाई 36 ऑरेंजेज एट द रेट ऑफ 15 है ना पर ऑरेंजेज, वन ऑरेंज का कॉस्ट 15 रुपीज है एंड वो टोटल 36 ऑरेंज खरीदती है, ठीक है, तो किस कॉस्ट पे, पर ऑरेंज 15 रुपीज। हाउ मेनी ऑरेंजेज सी कैन बाई इफ द प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज इज इंक्रीज बाई 3 रुपीज, ठीक है। देखिए 15 रुपीज, वन ऑरेंज का कॉस्ट 15 रुपीज है, तो वन का कॉस्ट 15 है, तो इस 15 के अकॉर्डिंग 36 ऑरेंज खरीद रही है। अब कह रहा है कि ये 15 से इंक्रीज होकर 3 रुपीज इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स ये 18 रुपीज का बन गया, तो 18 रुपीज में वो कितने ऑरेंज खरीदे ये हमें पूछा गया। तो ये आपकी न्यू बुक में क्वेश्चन है, आपकी जो ओल्ड बुक है उसमें 15 रुपीज की जगह 4 रुपीज 50 पैसे लिखा हुआ है एंड इन 3 रुपीज की जगह 90 पैसे, बस यही एक डिजिट चेंज है और सब कुछ सेम है, क्लियर। तो दोनों ही तरह से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो फर्स्ट मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रही हूँ, तो कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज रुपीज 15 ये हमारा गिवन है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 36 ऑरेंज क्या हो जाएगा, 15 इंटू 36 इज इक्वल टू 540, क्लियर। अब हमें कह रहा है कि 3 रुपीज बढ़ गए पर ऑरेंज, तो लिख लेंगे न्यू प्राइस ऑफ वन ऑरेंज, तो वन ऑरेंज का न्यू प्राइस क्या हो गया, 15 रुपीज जो पहले था उसमें 3 ऐड किया तो आ गया रुपीज 18। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 540 रुपीज में कितने ऑरेंज आएंगे इस न्यू प्राइस के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो लिख लेंगे इन रुपीज 540 ऑरेंजेस कैन बी बॉट इज इक्वल टू, तो 540 रुपीज है एंड ये न्यू प्राइस में 18 रुपीज आया वन का, इस 18 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो देखिए 18 थ्री जार 54 एंड ये 0, क्लियर, इज इक्वल टू 30 ऑरेंजेस इज द आंसर। तो ये नई बुक का हो गया। अब ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो देखिए कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज ये 15 की जगह आप नई बुक जिसके सॉरी ओल्ड बुक जिनके पास है तो 15 की जगह आप क्या करोगे 4.50 लोगे, ठीक है। तो नाउ ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 36 ऑरेंज, यहाँ पे हम लिख लेंगे 4.50 इंटू 36, इसे इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 162 रुपीज, क्लियर। नाउ न्यू प्राइस कहा जा रहा है, तो न्यू प्राइस में तो ओल्ड प्राइस है 4.50, तो यहाँ लिख लेंगे हम न्यू प्राइस के लिए 4.50 प्लस 90 पैसे, तो 90 पैसे यानी कि 0.90, क्लियर, रुपीज पैसे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये इज इक्वल टू में हो जाता है रुपीज 5 रुपीज 40 पैसे, क्लियर। अब इसमें कह रहा है कि 5 रुपीज 40 पैसे एंड यहाँ पे हमारा ओल्ड प्राइस कितना है 36 का 162, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 162 रुपीज में, ठीक है, इतने रुपीज में इस नए रेट के अकॉर्डिंग 5 रुपीज 40 पैसे एक ऑरेंज का कॉस्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम 162 रुपीज में कितने लेंगे, इसे एक बार और समझा दूं, एक ऑरेंज का कॉस्ट 540 रुपीज है एंड टोटल रुपीज 162 रुपीज में हम कितने ऑरेंज खरीदेंगे इस न्यू प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लिख लेंगे हम इन रुपीज, यहाँ पे लिख लेंगे 162 ऑरेंजेस कैन बी बॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 162 अपॉन न्यू प्राइस आया 5 रुपीज 40 पैसे, तो 5.40। अब इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे में पॉइंट के बाद टू डिजिट है तो इसमें 20 ऊपर आ जाएगा, तो इंटू 100,
अब ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। नाउ 54 से 162 को डिवाइड करेंगे थ्री टाइम्स में तो इक्वल टू 10 × 3 इक्वल टू 30। इस 162 रुपीज में भी 30 ऑरेंजेस ही खरीदेंगे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 6 इज इट टेक्स 8 डेज फॉर 12 मैन टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल। हाउ मेनी मैन शुड बी पुट ऑन द जॉब इफ इट इज बी कंस्ट्रक्टेड इन 6 डेज। देखिए कह रहा है कि 12 आदमी 12 लोग मिलकर एक दीवार को बनाते हैं तो कितने दिन में 8 डेज में 12 लोग 8 डेज तो 6 डेज में दीवार को कंप्लीट करने के लिए वॉल को कंप्लीट करने के लिए कितने आदमी चाहिए। क्लियर। तो यहाँ क्लियर देख रहे हैं कि इन्वर्स हो रहा है तो हम लिख सकते हैं 8 डेज इंटू 12 मैन इज इक्वल टू 6 डेज इंटू एक्स मान लेंगे। एक 6 डेज में कंप्लीट करने के लिए कितने आदमी चाहिए तो उसे हम एक्स मान लेंगे। तो इसी तरीके से इसे बना लेते हैं तो लिख सकते हैं हम 12 मैन कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन 8 डेज एंड एक्स मैन कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन 6 डेज। ठीक है, इन्वर्स लगाकर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो 12 इंटू 8 इसे हम लिख लेंगे, इसे x मान लिए, ये मान लीजिए x है, मेन x हो गया, दूसरा क्वांटिटी y हो गया। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, दैट मीन 6x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 8 बाई 6। अब इसे डिवाइड कर लेंगे 6 टू जार 12 इज इक्वल टू 16। तो x इज इक्वल टू 16, दैट मीन्स 6 डेज में वॉल को कंप्लीट करने के लिए कितने लोग चाहिए 16 पीपल। ठीक है, तो 16 मेन इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 7 इज एंड क्वेश्चन 7th स्टार्ट करने से पहले इसी चीज को हम स्टेटमेंट के साथ कैसे लिखेंगे वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट में आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये इज कर, ठीक है, ये दियर फोर यहाँ लगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम लिखेंगे तो और कैसे तरीका है। तो यहाँ लिख लेंगे हम 12 मेन कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन 8 डेज। क्लियर। तो दियर फोर मैन कंस्ट्रक्ट अ वॉल इज इक्वल टू क्या होगा 12 इंटू 8 डेज। ये इस लाइन के लिए हो गया, हमने लिख लिया जो कि यहाँ हमने किया 12 इंटू 8। तो इस तरीके से लिख सकते हैं एंड दियर फोर सिक्स मैन कंस्ट्रक्ट अ वॉल इज इक्वल टू, तो सिक्स मैन के लिए क्या हो जाएगा 12 इंटू 8 अपॉन 6। अब इसे डिवाइड कर लेंगे तो ये होगा हमारा 16 डेज। क्लियर। 6 × 2 = 8 × 16। तो इन दोनों ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट होगा कि आप इस तरीके से करो क्योंकि आपको ये लिखने के डिफिनेशन लिखने के भी हमें हाफ मार्क्स स्कूल में मिलते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 7 8 टैप्स थ्रू विच वाटर फ्लोज एट द सेम रेट कैन फिल इन अ टैंक इन 27 मिनट्स। कह रहा है कि एक टैंक को फिल करने में 8 टैप्स को 27 मिनट्स लगता है एंड ये जो 8 टैप्स है इन सारे ही टैप से पानी जो है फ्लो हो रहा है। कैसे हो रहा है तो सेम रेट पे सेम क्वांटिटी की वाटर निकल रही है। अब कह रहा है इफ टू टैप्स गो आउट ऑफ द ऑर्डर, अब टू टैप्स इसमें कम हो गया, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग टैप्स टेक टू फिल द टैंक। तो टैंक को भरने के लिए अब कितना टाइम लगेगा। क्लियर। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा इन्वर्स से रिलेटेड है। 8 टैप्स 27 मिनट ले रहा है तो निश्चित है कि जब 6 टैप कम जाएगा तो टाइमिंग क्या होगा बढ़ जाएगा। क्लियर। तो इन्वर्स पे ही जाएगा तो हम लिख लेंगे टाइम टेकन बाय 8 टैप्स टू फिल द टैंक इज इक्वल टू 27 मिनट्स, ये गिवन हमारा। आफ्टर गो आउट ऑफ ऑर्डर रिमेनिंग टैप्स, दो टैप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है तो 8 − 2 = 6। ठीक है। दियर फोर टाइम टेकन टू फिल अ टैंक बाय 8 टैप्स, तो 8 टैप्स टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेता है तो 27 × 8। ठीक है, दोनों को इंटू कर लेंगे तो दियर फोर टाइम टेकन टू फिल अ टैंक बाई 6 टैप्स, 6 टैप्स का पूछा जा रहा है तो 27 × 8 / 6। अब इसे डिवाइड कर लेंगे तो देखिए 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27, नाउ 2 × 4 = 8 तो इक्वल टू 36 मिनट इज द आंसर। क्लियर। तो देखिए 8 टैप्स 27 मिनट में फिल कर रहा है तो जब टैप कम गया 6 हो गया तो टाइम हमारा बढ़ गया 36 मिनट में टैंक को फिल करेगा। क्वेश्चन 8 इज अ कॉन्ट्रैक्टर अंडर टू का कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट अ पार्ट ऑफ ए स्टेडियम इन 9 मंथ्स विद अ टीम ऑफ 560 पर्सन, लेटर ऑन इट वॉज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 5 मंथ्स, हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन शुड ही इम्प्लाई टू कंप्लीट द वर्क।
तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि 560% मिलकर किसी काम को 9 मंथ्स में कंप्लीट कर रहे हैं। अब कुछ समय बाद रिक्वायर्ड होती है कि 9 मंथ्स की जगह उस वर्क को आप 5 मंथ्स में कंप्लीट करो। तो क्लियर है, 5 मंथ्स में कंप्लीट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा पीपल चाहिए और ज्यादा पीपल चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे 9 मंथ्स से टाइम ज्यादा है तो देखिए पर्सन हमारा कम है। बट जैसे ही टाइम कम गया तो क्लियर है कि पर्सन बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा इनवर्स वेरिएशन हो रहा है। तो इनवर्स वेरिएशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम में बच्चों आपको जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना कि वो डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में है तो यूनिटरी मेथड के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हो। बट यदि इनवर्स वेरिएशन है तो जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं उसी मेथड से करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट हम लिख लेंगे नंबर ऑफ पीपल इम्प्लाई फॉर 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स के लिए 560% है। देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल इम्प्लाई फॉर 1 मंथ्स का निकाल लेते हैं। 1 मंथ इज इक्वल टू, तो देखिए 9 मंथ्स में 560% लग रहे हैं। तो क्लियर है 1 मंथ में काम को कंप्लीट करने के लिए और ज्यादा पर्सन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 560 × 9। क्लियर? अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपको होगी कि हम जब भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को अगर फर्स्ट लाइन ज्यादा होता है ना, ज्यादा के बारे में दिया हो, 1 का निकालते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर? बट यहाँ हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। क्लियर? एक बढ़ रहा है दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ रहा है तो पहला घटेगा। जब भी ऐसा घटना या बढ़ना दोनों चीज को क्वेश्चन में, एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना इनवर्स वेरिएशन है। एंड वहां जब हम 1 का इन करेंगे तो इन दोनों को नंबर्स को इंटू करते हैं। क्लियर? नाउ नंबर ऑफ पीपल इम्प्लाई फॉर 5 मंथ्स का हमसे पूछा जा रहा है। तो 5 मंथ्स इज इक्वल टू, तो ये हो गया 560 × 9/5। अब 5 से 560 डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाता है 1 1 12। नाउ 112 इज इक्वल टू 1008। दैट मीन्स 5 मंथ में कंप्लीट करने के लिए 1008 लोग लग रहे हैं। अब हमसे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे पीपल ऑलरेडी वर्किंग इज इक्वल टू, ऑलरेडी पहले से वर्क कर रहे हैं 560% पहले से काम कर रहे हैं। अब ये हमने जो 1008 निकाला है, ये हमने निकाला कि 5 मंथ्स में कंप्लीट करने के लिए टोटल 1008 लोग चाहिए। बट इस 1008 में से 560 पीपल तो पहले से वर्क कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा और कितने लोग लगे वो हमें निकालना है। तो हम निकाल लेंगे देयरफॉर एक्स्ट्रा पीपल टू बी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, तो ये टोटल 5 मंथ्स के लिए 1008 है। तो इस 1008 में से पहले से जो काम कर रहे हैं 560, इसे हम माइनस कर लेंगे 560, तो इज इक्वल टू हो गया 648 पीपल इज द आंसर। क्लियर? यानी कि 5 मंथ्स में काम को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा पीपल 648 लगेंगे। नाउ क्वेश्चन 9 इज अ बैच ऑफ बॉटल्स वॉज पैक्ड इन 30 बॉक्सेज विथ 10 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। इफ द सेम बैच इज पैकिंग यूजिंग 12 बॉटल्स इन ईच बैग बॉक्स हाउ मेनी बॉक्सेज वुड बी फिल्ड। तो यहाँ कहा जा रहा है कि टोटल 30 बॉक्स है, ठीक है, एंड ईच बॉक्स में एक एक बॉक्स में 10 बॉटल को पैक किया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि नेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि यदि हम ईच बॉक्स में 12 बॉटल रखें तो कितने बॉक्सेज लगेंगे। तो यहाँ भी क्लियर है 30 बॉक्स है तो 10 बॉटल डाल रहे हैं, ठीक है। अब जब हम 12 बॉटल्स रखते हैं, एक एक बॉक्स में 12 बॉटल रखेंगे, तो क्लियर है बॉक्स हमारा कम जाएगा क्योंकि अब हम ज़्यादा ज़्यादा पैक कर रहे हैं। ज़्यादा पैक करेंगे तो बॉक्स कम लगेगा, एक बॉक्स में ज़्यादा आ रहा है। क्लियर? तो ये भी हमारा इनवर्स वेरिएशन है। सो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेज रिक्वायर्ड टू फिल 10 बॉटल। तो 10 बॉटल के लिए कितने बॉक्स लग रहे हैं, 30 बॉक्स लग रहे हैं। क्लियर? तो नंबर ऑफ बॉक्सेज रिक्वायर्ड टू फिल 12 बॉटल्स के लिए पूछा जा रहा है, तो हम लिख लेंगे 12 बॉटल इज इक्वल टू, आप चाहो तो फर्स्ट 1 का भी निकाल सकते हो ना, नंबर ऑफ बॉक्सेज रिक्वायर्ड टू फिल 1 बॉटल इज इक्वल टू। तो क्या हो जाएगा, वेरिएशन में है ये हमारा इनवर्स में, तो 30 × 10, 1 के लिए 30 × 10 एंड 12 के लिए, तो यही हम लिख लेंगे फर्स्ट 1 के लिए जो आएगा, तो 1 के लिए आता है 30 × 10 एंड 12 के लिए 30 × 10/12। अब इसे डिवाइड कर लेंगे तो देखिए 2 6 जार 12, 2 5 जार 10 एंड नाउ 6 5 जार 30, तो 5 × 5
is equal to 25 boxes is the answer. क्लियर? तो देखिए 10 बॉटल रख रहे हैं तो 30 बॉक्स चाहिए, एंड 12 बॉटल जब हम कर रहे हैं तो बॉक्स हमारा कम गया 25, बॉटल बढ़ा बॉक्स कम गया, यहाँ बॉटल कम है तो बॉक्स ज़्यादा है. क्लियर? तो एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है. क्लियर? नाउ क्वेश्चन 10. वंदना टेक्स 24 मिनट्स टू रीच हर स्कूल इफ सी गोज एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, वंदना अपने स्कूल जाती है किस स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से अगर स्कूल जाती है तो 24 मिनट में पहुंच जाती है. इफ शी वॉन्ट्स टू रीच स्कूल इन 20 मिनट्स, अब वो 20 मिनट्स में ही स्कूल पहुंचना चाहती है, वॉट शुड बी हर स्पीड, तो इसका स्पीड क्या होगा ये हमें फाइंड करने हैं. तो क्लियर है कि स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, 20 मिनट्स में पहुंचने के लिए स्पीड को ज़्यादा करना होगा, क्योंकि 24 मिनट्स उसे लग रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने पे, तो जल्दी और पहुंचना है, दैट मीन्स स्पीड बढ़ाना होगा. तो ये क्लियर है, इन्वर्स वेरिएशन हमारा है. सो हम लिख लेंगे रिक्वायर्ड स्पीड टू रीच स्कूल इन 24 मिनट्स. ठीक है, 24 मिनट्स में स्कूल पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड स्पीड टू रीच स्कूल इन 20 मिनट्स. आप चाहो तो यहाँ 1 का भी लिख सकते हो, मैंने डायरेक्ट 20 कर दिया है. तो इज इक्वल टू 24 इंटू 5 अपॉन 20. अब इसे डिवाइड कर लेंगे तो 5 4 जार 20 एंड 4 से 24 4 6 जार, तो इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर. क्लियर? नाउ क्वेश्चन 11 इज इन अ स्कूल टोटल स्कूल आवर्स आर डिवाइडेड एज फॉलोज 20 मिनट्स फॉर मॉर्निंग प्रेयर 20 मिनट्स फॉर रेसेस एंड 8 पीरियड्स ईच ऑफ 40 मिनट्स ड्यूरेशन. इफ द प्रेयर टाइम एंड रेसेस टाइम आर इंक्रीज टू 40 मिनट्स ईच हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी सेम. अब यहाँ हमारा प्रेयर का टाइमिंग 20 मिनट्स पहले दिया गया है, 20 मिनट्स फॉर रेसेस 8 पीरियड्स ईच 40 मिनट्स के. क्लियर? अब कह रहा है कि प्रेयर टाइम एंड रेसेस के टाइम को 40 मिनट इंक्रीज कर दिया गया, दैट मीन्स 20 पहले था तो और 20 प्लस करके 20 मिनट्स बढ़ा के उसे टोटल 40 मिनट्स का कर दिया गया. तो पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड, तो ईच पीरियड जो है उसके लिए क्या टाइमिंग किया जाए. ठीक है, टाइमिंग हमारा क्या किया जाए कि दोनों स्कूल आवर्स बिफोर द चेंजिंग एंड आफ्टर द चेंजिंग दोनों में इक्वल हो जाए. क्लियर? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एंड ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 12 13 एंड आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 6. ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान से समझना. एंड बच्चों, आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को तो प्लीज लाइक जरूर करो, क्योंकि आप जितना लाइक करोगे लाइक ज्यादा आता है तो हमें भी पढ़ाने में मन लगता है. ठीक है, तो प्लीज लाइक जरूर करना वीडियो को. चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन 11 को. तो क्वेश्चन में हमें स्कूल आवर्स को अज्यूम करना है जिससे कि वो दोनों ही आवर्स बिफोर एंड आफ्टर चेंजिंग इक्वल हो जाए. क्लियर? तो हम मान लेंगे लेट बी टाइम इज इक्वल टू एक्स. नाउ टोटल स्कूल आवर्स बिफोर द चेंजेस इज इक्वल टू टोटल स्कूल आवर्स आफ्टर द चेंजेस. इन दोनों को हमें इक्वल करना होगा. क्लियर? तो बिफोर द चेंजेस स्कूल की टाइमिंग हमारी क्या दे रखी है, 20 मिनट्स फॉर प्रेयर प्लस 20 मिनट्स फॉर रेसेस एंड 8 पीरियड्स 40 मिनट्स का ईच पीरियड है. तो 8 इंटू 40 इज इक्वल टू, अब आफ्टर चेंजिंग स्कूल का टाइमिंग क्या हो रहा है, प्रेयर टाइम एंड रेसेस टाइम को बढ़ाकर 40 कर दिया गया है, दैट मीन्स 40 प्लस अब ये 8 जो पीरियड है 40 मिनट्स का ईच, इस 8 पीरियड ये 40 मिनट्स की जो 8 पीरियड है इसके लिए हमें पूछा जा रहा है इसमें हम कितना और ऐड करें कि दोनों इक्वल हो जाएं. तो उसके लिए हमने टाइमिंग x ले लिया, तो ये लिख लेंगे प्लस 8 इंटू एक्स मिनट. क्लियर? नाउ 20 प्लस 20 40 प्लस 8 इंटू 40 इज 320 इज इक्वल टू ये हो गया 80 प्लस 8 इंटू एक्स इज 8x. क्लियर? नाउ ये हो गया प्लस करेंगे तो 360 इज इक्वल टू 80 प्लस 8x, नंबर्स को एक साथ ले लेंगे तो 360 प्लस में है तो इधर आकर माइनस 80 बन जाएगा इज इक्वल टू 8x. नाउ इसे माइनस करेंगे तो 280 इज इक्वल टू 8x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 280 अपॉन 8. नाउ 8 से 280 को डिवाइड करेंगे तो कर लेते हैं 2 3 8 से करेंगे 8 3 जार एंड 8 5 जार.
तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 35 मिनट्स इज द आंसर। क्लियर? तो जो हमने टाइम माना, टाइम मानना है एक्स, तो एक्स आ गया 35 मिनट। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 12 इज अ फोर्ट इज प्रोवाइडेड विथ फूड फॉर 80 सोल्जर्स टू लास्ट फॉर 60 डेज। ठीक है, कह रहा है कि 80 सोल्जर के लिए फूड जो प्रोवाइड किया गया है वो 60 डेज तक के लिए है। ठीक है, 80 सोल्जर 60 डेज तक फूड खा सकते हैं, इतना फूड प्रोवाइड किया गया। फाइंड हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ 20 एडिशनल सोल्जर्स ज्वाइन आफ्टर 15 डेज। अब कह रहा है कि 15 डेज के बाद 20 और सोल्जर्स आ गए, तो अब फूड जो है किस कितने टाइम के लिए चलेगा ये हमें निकालने हैं। तो क्लियर है कि जब 80 सोल्जर हैं 60 डेज तक खा रहे हैं, ठीक है, एंड जब ये फूड तो लिमिट में दिया गया है एंड उतना ही फूड हमें खाने के लिए 20 और सोल्जर्स आ गए, दैट मीन्स सोल्जर बढ़ गए, 80 है 20 और आ गए, दैट मीन्स ये 100 सोल्जर्स आ गया, फूड लिमिट में है। ठीक है, तो क्लियर है कि सोल्जर बढ़ रहा है तो फूड क्या होगा हमारा, कितने डेज चलेंगे, कम दिन तक चलेंगे। तो क्लियर है कि एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो इन्वर्स है हमारा। क्लियर? तो हम लिख लेंगे आफ्टर 15 डेज। ठीक है, फूड जो दिया गया था 60 डेज के लिए दिया गया था, तो 60 डेज में कह रहा है कि 15 डेज के बाद 20 सोल्जर और आते हैं, तो 15 डेज तो उन्होंने खा लिया, तो 15 डेज खा लिया दैट मीन्स अब कितने डेज फूड बचे हुए हैं वो हमें निकालने हैं। तो वो हमने निकाल लिया यहाँ पे, फूड इज सफिशियंट फॉर 80 सोल्जर्स फॉर 60 डेज के लिए था, 15 डेज के बाद निकालें, आफ्टर निकालें दैट मीन्स 60 माइनस 15 डेज कर देंगे तो ये हो गया हमारा 45 डेज। तो अब जो फूड बचा है 45 डेज के लिए बचे हुए हैं। नाउ सोल्जर्स एडेड आफ्टर 15 डेज इज इक्वल टू 20, 15 डेज के बाद 20 सोल्जर्स आ रहे हैं, देयरफॉर टोटल सोल्जर्स आफ्टर 15 डेज, तो 80 प्लस 20 100 सोल्जर्स हो गए। नाउ नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड करने, कितने दिन फूड बचेगा, तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ डेज फूड इज सफिशियंट फॉर 80 सोल्जर्स। ठीक है, तो 80 सोल्जर्स के लिए कितने दिन का फूड बचा है इज इक्वल टू 45 डेज। क्लियर? नाउ नंबर ऑफ डेज फूड इज सफिशियंट फॉर, अब सोल्जर्स 100 हो गए तो 100 सोल्जर्स के लिए 100 सोल्जर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 इंटू 80 अपॉन 100। अब इसे डिवाइड कर लेंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, नाउ 5 9 जार 45, 5 2 जार 10, 2 4 जार 8, तो ये हमारा हो गया 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 9 4 जार 36 डेज इज द आंसर। क्लियर? तो अब कितने दिन का फूड बचा है, 36 डेज। नाउ क्वेश्चन 12 इज, सॉरी ये आपका 12 था। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 13, 1200 सोल्जर्स इन अ फोर्ट हैड एनफ फूड फॉर 28 डेज। ठीक है, 1200 सोल्जर्स के लिए फूड है 28 डेज के लिए, जो कि एनफ है, काफ़ी है। अब कह रहा है आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के डेज के बाद सम सोल्जर्स वर सेंट टू अनदर फोर्ट, 4 डेज के बाद कुछ सोल्जर्स को दूसरे फोर्ट में भेज दिया गया, एंड दस द फूड लास्टेड फॉर 32 डेज। तो अब इस तरह से फूड 32 डेज के लिए बच गया। ठीक है, 28 डेज के लिए फूड था 1200 सोल्जर्स के लिए, अब 4 दिन के बाद 1200 सोल्जर्स में से कुछ सोल्जर्स को दूसरी जगह भेज दिया गया, तो दूसरे जगह भेज दिया गया सोल्जर्स कम गया, दैट मीन्स फूड ज़्यादा दिन चलेगा, तो ये हो गया हमारा 32 डेज। हाउ मेनी सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट, तो यहाँ पे हमें बताने हैं कि कितने सोल्जर्स बच गए हैं। तो फर्स्ट टोटल डेज कितने हैं तो वो लिख लेते हैं, टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल डेज 28 है, 28 डेज है। क्लियर? अब कह रहा है कि आफ्टर 4 डेज, आफ्टर 4 डेज नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, नंबर ऑफ डेज लेफ्ट इज इक्वल टू, अब 4 डेज के बाद कितने दिन बच रहे हैं, तो 28 माइनस 4 इज इक्वल टू 24 डेज इज इक्वल टू 24 डेज। क्लियर? अब ये 24 डेज बच रहे हैं एंड टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इज इक्वल टू 1200 टोटल सोल्जर्स हैं एंड फूड लास्टेड फॉर इज इक्वल टू 32 डेज। ठीक है, फूड 32 डेज के लिए बचा हुआ है, देयरफॉर इन 24 डेज, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24 डेज, 28 डेज ही सोल्जर्स को खाना है, उस खाने में से 4 डेज निकल गया यानी कि 24 डेज बच रहा है, तो इस एंड खाना जो लास्ट हो रहा है 32 डेज के लिए है, तो क्लियर है
24 डेज तक उन्हें खाने के लिए तो काफ़ी फूड है, सफिशियंट है, तो हम लिख लेंगे इन 24 डेज, 24 डेज के लिए फूड विल बी सफिशियंट फॉर 1200 सोल्जर्स। ठीक है, तो 24 डेज 1200 सोल्जर्स फूड आसानी से खा सकते हैं। नाउ इन हमें पूछा जा रहा 32 डेज के लिए लास्टेड है, तो कितने सोल्जर्स खाएंगे, तो 32 डेज का जो फूड है वो सफिशियंट होगा 1200 इंटू 24 अपॉन 32, तो इसे पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 सिक्स जार 24, 4 एट जार 32, नाउ 8 से 1200 डिवाइड हो जाएगा तो ये होता है 150 टाइम्स में, तो इज इक्वल टू 150 इंटू 6 इज इक्वल टू 900 सोल्जर्स। दैट मीन्स 900 सोल्जर्स 32 डेज तक उस फूड को खा सकते हैं। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि नंबर ऑफ सोल्जर जो दूसरे फोर्ट भेजे गए हैं वो कितने हैं, तो वो हमें निकालने हैं, तो हम लिख लेंगे देयर फोर नंबर ऑफ सोल्जर्स सेंट टू अनदर फोर्ट इज इक्वल टू, तो 1200 टोटल थे स्टार्टिंग में, तो इस 1200 में से जो 900 यहाँ हमने निकाला 32 डेज में 900 सोल्जर्स खाएंगे, इस 900 को माइनस कर देंगे तो इज इक्वल टू 300 सोल्जर्स इज द आंसर। क्लियर, यानी कि 300 सोल्जर्स को अनदर फोर्ट में भेजा गया है। एंड इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।